जी आप देख रहे हैं इंग्लिश की। जी बिल्कुल, आप एक अच्छे चैनल पर आ चुके हैं और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आप इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं। सो लेट्स सी आवर टॉपिक, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। आज जो है ना, इस पर हम बात करेंगे सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सेंटेंसेस के बारे में तो आपको पता होगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने हमारे पास टेंसेज हैं, एक वो अलग डिबेट है, उस पर भी हम ज़रूर टेंसेज भी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आज जो है हम सेंटेंसेस करेंगे। जी आउटलाइन में हमारे पास सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस, और लास्ट में हम एक देखेंगे चार्ट। जी शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जी सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू से समथिंग, टू आस्क समथिंग, टू टेल, टू डू समथिंग। मीन कि इसका मतलब ये हुआ कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए और कुछ पूछने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जी ये एग्जांपल दी हुई है, जैसा कि लास्ट एग्जांपल है, द प्रोफेसर थ्रू एन ऑरेंज, के प्रोफेसर ने ऑरेंज फेंका। तो प्रोफेसर क्या होगा? सब्जेक्ट। थ्रू क्या होगा? वर्ब। और ऑरेंज का मतलब होगा ऑब्जेक्ट। आगे हम इसको डिटेल से देखते हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपका सेंटेंसेस एंड इस टाइप का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ये चीज़ें सारे मिलकर बनाती हैं सब्जेक्ट। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको भी हम सब्जेक्ट में ही यूज करते हैं। वर्ब है वो तो आपको पता ही है, एक्शन, जैसे कि लुक है, स्मेल, टेस्ट, टर्न, ग्रो, बीन, इज, सीम, स्टे, ये सारे एक्शन एक्शंस हैं, तो इनको हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद होते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई डॉक्टर है, कार है, कैट है, टीचर है, तो ये सारे एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है, माई ब्रदर इज डॉक्टर। माई ब्रदर इज अ यूज ऑफ सब्जेक्ट, इज यूज एज अ वर्ब, डॉक्टर इज यूज एज अ ऑब्जेक्ट। जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जी वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Declarative sentence are simply statement that relay information. They are the most common type of sentence in the English language. A declarative sentence states the fact or an opinion and lets the reader know something specific. It always ends with the period or dot. I love my dog. इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। माई न्यू कार इज ब्लैक इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द स्काई इज ब्लू, ही इज अ ग्रेट रीडर। सेकेंड वन इज द इंटरोगेटिव। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क को हम इंटरोगेटिव वैसे ही कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। वेयर डू यू लिव, वेन इज द पार्टी, वेयर इज यूर बैग, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस या कमांड सेंटेंस। गिव अ कमांड, दे टेल अस टू डू समथिंग। इसके लास्ट में फुल स्टॉप, पीरियड या एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। होल्ड अ टाइट, जोर से बांध दो। गो टू द स्टोर, स्टोर पर जाओ। गो टू द वर्क, काम पर जाओ। डोंट डू दैट, यू शुड स्टडी हार्ड।
अब है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सप्लेनेशन के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, सरप्राइज, ये चीज़ें जिस सेंटेंस में आएंगी तो उसके अंदर हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे। जैसे कि आई एम एंग्री, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू वॉन द प्राइज। जी ये लास्ट में है चार्ट, तो इसमें हम देखेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट्स एग्जाम्पल, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इट्स एग्जाम्पल, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें भी हम यूज करते हैं। इस चार्ट से हमें ये मालूम होगा कि हम सेंटेंसेस की टाइप को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए बना रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू मस्ट बी सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।